पूरे प्रकरण पर अजय पुत्र पुत्री क्या देख रहे हैं आप लोग और कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है पूरे आपके जीवन? मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा आज नहीं तो कल तो ये लोग मेरे को फंसाए गए, चाहे कोई भी रीज़न हो, क्योंकि पापा का निकलना भी बंद हो गया था। हम लोग को भी पापा हमेशा कहते थे कि निकलो तो सावधानी से निकलो, ज़रूरत नहीं है तो मत निकलो, और आज नहीं तो कल तो होना था, वो हम लोग को पता था। और जिस दिन हुआ तो हम लोग को पता चल गया कि पापा की बात सच हो गई है। और ये बात है कि पापा जिससे लड़ रहे थे वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, सीधे CM ही है पूरा प्रदेश का, तो उसके हाथ में तो पूरी मशीनरी है। वो चाहे तो किसी को भी परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, मतलब हर तरह से टॉर्चर कर सकता है। तो ये उसी का एक किया हुआ काम है। और आप लोग सब जानते हैं कि अभी बंगाल और झारखंड गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरीके से साठगांठ में काम कर रही है। और एक आर्टिकल भी आया था एक पेपर में, हम देखे थे कि जिसमें कहा गया था कि मैंने झारखंड गवर्नमेंट को बचा दिया गिरने से। तो अगर ये सब क्या कहता है, ये सब तो मतलब यही है ना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की सरकारें बचा रहे हैं। अगर मेरे पापा इतने ही हैं तो हमको, हम लोग को फैमिली एज अ फैमिली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप CBI से जांच करवा लीजिए, ED से करवा लीजिए, हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसे बस फैब्रिकेट करके एविडेंसेस, जितना हमें पता चला है सारे एविडेंसेस को फैब्रिकेट किया गया है। और मैंने ऑडियो सुना है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें एक लेडी की आवाज़ बार बार आ रही है, और बस हाँ 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 कर देने का ये मतलब नहीं है ना कि एक्सटॉर्शन है। अगर आपने गलती नहीं की तो आप लोग क्यों डर रहे थे, आप क्यों पैसा देना चाहते थे? क्या निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईडी ने ले लिया, हम लोग को खुशी है कि कम से कम एक सेंट्रल एजेंसी है जो अब निष्पक्ष जांच करेगी। हम तो ये भी कहेंगे कि CBI भी आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जांच होनी चाहिए। कोलकाता में हमें जितना पता चला, मेरे पापा को बहुत परेशान किया गया है, उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा था। हम जब लेके जाते थे, मैं भी गई थी कलकत्ता, तो वो भी नहीं दिया जाता था। मैं 12 बजे मैं और मेरी मदर जाते थे 12 बजे, तो उसके बाद हमें 6 बजे मिलने दिया जाता था शाम में। और जब मैंने पूछा पापा आपने खाना खाया, तो उन्होंने बस हंस कर कह दिया हाँ बेटा मैंने खा लिया, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा था उन्होंने नहीं खाया। और जब हमने दिया तो वो एक तरह से, उनके सभी ऑफिसर्स बगल में ही बैठे थे, कभी भी हमें 2 मिनट का भी बात नहीं करने दिया। तो उससे पता चल रहा था कि वो किसी प्रेशर में हैं, वो कुछ उनके हिसाब से बात करने के लिए। तो बस वही है, अपना परिचय। मैं उनकी बेटी हूँ रुचित्रा। क्या कर रहे हैं? मेरा अभी 15 दिन पहले ही CA क्लियर हुआ था, अभी जब रिजल्ट आया था पापा ने फेसबुक पे भी डाला था कि मेरी बेटी CA बन गई। अभी 15 दिन खुशी भी नहीं मनाए तब तक ये घटना घटी। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।